नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मुजम्मल चिश्ती। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया प्रोग्राम अपना कारोबार के सिलसिले में। ये ज़रा हावी अमाउंट का कारोबार है, लेकिन मैंने कहा कि आपके साथ डिस्कस कर लें। यह महफूज ब्रदर वर्क्स कंपनी 99 आरबी पक्का जंडियाला में एक भट्टा है, जिसका हम विज़िट करेंगे। ये आप मेरी साइट पर बैक साइड पर देख रहे होंगे कि ये एक भट्टा है। आज हम इसका विज़िट करेंगे और आपको प्रॉपर बताएंगे कि ये किस तरह पे यहाँ पे ईंटें बनती हैं, किस तरह पे ईंटें आगे पकती हैं और किस तरह से ये तैयार होकर वापस जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तो ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप ये वीडियो को पूरी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए मज़ीद लेकर आता रहूँ। ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, मैं आप कोशिश करूँगा कि आपको ए टू जेड सारा बताऊँ। तो चलते हैं जी अपने प्रोसीजर की तरफ। तो सबसे पहले ये देख लें जी, आपको ये बच्चे वीडियो नज़र आ रही होगी, ये है जी स्टेप वन। स्टेप वन पे जनाब ये इस तरह एक मिट्टी होती है, मिट्टी से हम ईंटें बनाते हैं। मिट्टी को पहले गूंथ लिया जाता है और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको तैयार कर लिया जाता है। जब ये मिट्टी तैयार हो जाती है, ये ऐसे आप देख सकते हैं, अगर आपका कभी इत्तेफाक हुआ हो किसी भट्टे वगैरह पर जाने के लिए, तो इस तरह ये मिट्टी को पहले हम बिल्कुल अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं। मिट्टी तैयार करने के बाद जनाब एक होता है सच्चा सा होता है, जिसमें हम इसको ना ईंटों को बनाते हैं। तो आप दिखाते हैं ये जनाब, इस तरह इसको मिट्टी से भर लिया जाता है, इंसानों को ये सच्चा होता है। इस तरह ये मिट्टी से भरने के बाद इसको हम ये देखें जनाब, हम ऐसे ये देख रहे हैं आप कि ईंटें बन रही हैं, तो ऐसे इसको ढेल दिया जाता है, तो ये ईंटें बनकर तैयार हो जाती हैं। ये एक वक्त में 5 ईंटें बन जाती हैं, तो इसकी मजदूरी तकरीबन ये एक ईंट की 1 रुपया मजदूरी बनती है तकरीबन। तो उसके बाद नेक्स्ट जब ये ईंटें सूख जाती हैं, ये 6 से 7 दिन में ईंटें सूखने के बाद नया प्रोसीजर आता है। फिर इस ईंटों को हम भट्टे के अंदर लगा देते हैं तरतीब से, जैसे ये बाहर लगी हुई ना, ऐसे ये भट्टे के अंदर लगा देते हैं हम कच्ची ईंटें। उसके बाद ये दूसरा प्रोसीजर शुरू हो जाता है, इसमें हम कोयला डालते हैं जनाब ये भट्टे में। ये कोयला देखें आप, ये कोयला हमने भरने के बाद ये आपको दिखाते हैं, ये सारा इसमें डाल दिया जाता है। ये कोयले की हीट की वजह से ही ये ईंटें पकती हैं, और पकने के बाद ये मुकम्मल तैयार हो जाती हैं। और फिर भी आपको प्रोसीजर बताएंगे कि ये कैसे तैयार होती हैं। ये 3 से 4 दिन का प्रोसीजर है, ये 3-4 दिन तक इसको ऐसे पकाना है। पकाने में ये देखिए कोयला है, कोयले के बाद इस ईंटों को पकाया जाता है और ये बिल्कुल पक के तैयार हो जाती है। उसके बाद आपको अगला प्रोसीजर बताते हैं जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूं। ये भट्टा देखें, ये इस टाइम चल रहा है और ईंटे पकने का प्रोसीजर जारी है। ये देखें जनाब, ये बहुत मेहनत और मशक्क़त वाला काम है। ये देखें, ये फाइनल हो चुका है, हम अपना फाइनल प्रोग्राम की तरफ आ गए हैं। ये वो आप खाना था देख रहे हैं, उसमें से ये ईंटें को बाहर ड्रेन किया जा रहा है, यानी कि इसको निकासी कहा जाता है। तो इस जगह पर आके वो जो कच्ची ईंटें हमने बंदी आपको दिखाई थी, वो तैयार हो जाती हैं और इस तरह ये ईंटें पक जाती हैं। फिर इसको मुख्तलफ अपनी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यहाँ यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है डिलीवर किया जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी।